जयसवाल महिला विकास समिति के तत्वाधान में सम्मान समारोह एवं सावन की बुहार नामक कार्यक्रम का आयोजन घंटाघर स्थित चौधरी निवास में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जयसवाल समाज के कुलदेवता सहस्त्रबाहु जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी को दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। तत्पश्चात भारतीय संस्कृति और संस्कार से सराबोर सावन गीतों की प्रस्तुति की गई। ढोलक की थाप और गीतों के बीच मेहंदी एक दूसरे को लगाकर कार्यक्रम को मनमोहक बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीना, सीता, कविता, रागनी, उषा किरण, सिंधु, श्यामा, मीना, पूजा, तनुश्री, कविता, ममता, विभा, निरूला, संध्या, किरण, मीना, रिंकू, मीरा, विनीता सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति की अध्यक्ष रीना जायसवाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, रही है मुख्य संरक्षिका, आज भी है और हमेशा रहेंगी आप हमारी संरक्षिका। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की आप उपाध्यक्ष आप रही हैं श्रीमती अंजू चौधरी जी, जिनका आज हम सभी लोग स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, ये तो हमारी माँ के समान है, हमारे एकदम घर की बात है हम सभी के, क्योंकि इतना ये हमारे साथ हम लोग के साथ खड़ी रही हैं। हम सब महिलाएं एक हैं और आज सावन का भी एक स्पेशल दिन है और हम सभी आजकल यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो इसके आगे सावन का भी कार्यक्रम बीच बीच में चल रहा है, लोकगीतों का विशेष कार्यक्रम है जो कि जैसे कि हमारे संस्कार और संस्कृति की ये हमेशा से रही है कि हमारी परंपरा ये रही है, लोकगीतों का अपना बहुत ही महत्व रहा है। आजकल ये होता है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष रीना जायसवाल, आज हम सभी जायसवाल विकास समिति महिला की विंग जो है महिला विंग यहाँ एकत्र हुए हैं चौधरी निवास में। जैसा कि हम सभी को पता है श्रीमती अंजू चौधरी जी को चौथा साल है ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष की का पद मिलने का, ये दायित्व वाकई बहुत कठिन है और बहुत ही सुचारू रूप से आप संभाल रही हैं इस चीज़ को, तो ये हमारे लिए बेहद ही गर्व का विषय है महिलाओं के लिए। तो हमारी आज महिला समिति चौधरी निवास में हम लोग आए हैं सम्मान करने, इनको शुभकामनाएँ देने के लिए, और उसके साथ साथ में हमारा सावन का कार्यक्रम है, आज रंगारंग कार्यक्रम भी उसका चल रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है, हम सभी बहनों को चूड़ियाँ दी गई हैं और इसके बाद हमारा लोकगीत और लोक नृत्य का भी कार्यक्रम होगा, तो सभी महिलाएं आज एकत्र हुई हैं इस विशेष कार्य के लिए। सम्मानित किया गया क्या है? ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा समाज जयसवाल महिला समिति जो है उसके पूरी सदस्याएँ हमारे घर आई हैं मुझे सम्मानित कर रही हैं, क्योंकि ये मेरा चौथा साल, एक साल एक्सटेंशन हम लोग को मिल गया है राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में, एक साल और या मालूम नहीं हो सकता है 3 साल और हमें अपने लोगों को सेवा करने के, स्पेशली महिलाओं की जो पीड़िता हमारी होती हैं प्रताड़ित होती हैं, ऐसी महिलाओं का सेवा करने का फिर से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं हृदय से अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर सोच रखा कि मुझे आज सम्मानित किया है, और वो भी सावन के महीने में, तो हम लोग विशेष रूप से आज मैंने सावन के क्वीन, सावन के गीत, सावन की हरी चूड़ियाँ, सावन की मेहंदी, ये सब का व्यवस्था किया है ताकि हमारे लोग इंजॉय करें और अपने आगे बढ़ते रहें, महिलाएँ को हमें
उनको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है और उनकी सशक्त करना है, यही मेरा उद्देश्य है। और यही सोचकर मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके काम कर रही हूँ और पार्टी का भी काम कर रही हूँ साथ ही साथ, और सरकार का भी काम कर रही हूँ।